साथ ही यहाँ से देखिए, चांदी को हिमालय सोना को दिखे लो, जब घाम अच्छे लो खुदेड़ी न रही। शहर के कोलाहल से अगर आप परेशान हो गए हो तो प्रकृति के सुंदर से नज़ारों में आपको लीन होना है, तो इससे सुंदर जगह आप लोगों को नहीं मिल सकती। यहाँ से पूरी ऊंची ऊंची चोटियों से ये पूरा दृश्य आप लोगों के बीच इस ब्लॉग के माध्यम से आ रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पहाड़ों से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो आप घने अंधेरे के बीच और घने जंगल के बीच ये हमारा डिस्कवरी चैनल पे आपको प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ये देखो पूरी खाने की व्यवस्था के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे। ये देखिए पानी पूनी, ये देखो प्रेसरों में बिल्कुल खाना बना के हम घंडियाल से लेके आए, बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल्स है हमें अभी। ये देखिए प्रेशर के साथ फुल इंजॉय। यहाँ देखे सारी बोलेरो न्यू ही दिख रही है भाई। पहुँच गए साथियों हम, कहाँ पहुँचे भाई हम? अताल का है पर साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। साथियों नमस्कार, पहाड़ों की अब इन हसीन वादियों से मैं पंकज डुंगरियाल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बेनीताल के इस पार्ट टू में। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो जाइए पहले उसको देखिए कि कैसे हम यहां तक पहुंचे, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, उसके बाद आपको इस सफर का मजा भी आएगा और यहां तक पहुंचने का पता भी लगेगा। तो हमारी डेस्टिनेशन थी आज की बेनीताल, हमको पहुँचना था। तो साथियों सबसे पहले हम सुबह निकले 7 बजे अपने होम टाउन श्रीनगर से, उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे पड़ता है घंडियाल। तो घंडियाल गांव प्यारा सा गांव है, उसके बाद थोड़ा संकरी सी रोड है। जब हम रास्तों से आ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जैसे हम डिस्कवरी वाला नहीं चलता है वैसे चल रहे होंगे। एक सिंगल रोड थोड़ा पाला पड़ा है, बांज और बुरांस और चीड़ के वृक्ष आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और इस तरीके से खुले खुले तप्पड़। देखिए किस तरीके से प्रकृति की गोद में अभी हम है, और बिल्कुल पहाड़ों के ऐसे लग रहा है सबसे टॉप की चोटी में हमें यहाँ से आपके हिमालय के जितने भी बर्फ से ढके हुए चादरों को ओढ़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं। चौखंबा पर्वत हो गया, हिमालय की जितनी भी श्रेणियां यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रही है। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि बेनीताल, बेनीताल का तात्पर्य है क्या? तो बेनी का मतलब साथियों हमारी पहाड़ी भाषा में, हमारी गढ़वाली में बैणी मतलब होता है बहने। तो बैणी के, बैणियों के नाम पे मतलब बहनों के नाम पे, तो मैं कह सकता हूँ कि बहनों के नाम पे पड़ने वाला ताल उत्तराखंड में है बैनीताल। एकदम एकांत सा यहाँ पे है, और आप लोग जब आओ तो जरूर अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आओ। यहाँ पे वैसे होम स्टे की व्यवस्था भी है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े तप्पड़ है, तो इनमें आप लोग स्टे कर सकते हैं, अपनी कैंपिंग के थ्रू अपना गैस सिलेंडर जो आपको लहाना है वो लहा सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में जो भाई बंद हमारे साथ थे पार्ट वन में आप लोगों ने देखा, तो देखिए भाई बंद हमारे अभी देखिए बिल्कुल फोटो शूट की तैयारी, कपड़े भी ला रखे हैं भाई सब चेंज करने के लिए, ताकि अलग अलग ड्रेस में अलग अलग शूट हो ना, आदमी इस मनमोहक दृश्य के साथ फोटो क्यों ना खींचे। तो हमारे साथ हमारे ललित भाई जी है, देखिए भाई जी बिल्कुल सफर ठीक रहा, शानदार सफर रहा, शानदार सफर। सबसे मेन बात भाई जी बिल्कुल रोड में ही है, जिस मकसद से आए तो मकसद पूरा हो गया, एकांत में आने का, का बिल्कुल। तो देख सकते हैं साथियों हमारी गाड़ियां बिल्कुल यहाँ पे खड़ी है, और ये बिल्कुल रोड में ही है, कुछ भी पैदल नहीं है, बस उसके बाद ये पूरा दृश्य और वहाँ ताल दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ मैं अभी आप लोगों को ले जाता हूँ। और देखिए हमारे साथ हमारे मनीष भाई जी, मनीष भाई जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सिर्फ यही कहना चाहूंगा आने वाले टाइम में आप जब भी आपको मौका मिले एक बार जरूर यहाँ आए, यहाँ देखे और यहाँ के पर्यटन को मजबूत करे। बिल्कुल साहब बिल्कुल, और उसके मोदी जी ने भी कहा कि वेट्स इन एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड में बनाए, तो वेट्स इन उत्तराखंड, यहाँ शादी कर सकते हैं, उत्तराखंड हनीमून में आ सकते हैं यहाँ। बिल्कुल बात तो सही है। देखो भाई आपकी नई नई शादी हुई, आपको भाभी को लेके आना चाहिए था वैसे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आप इस दृश्य का आनंद लीजिए, बिल्कुल लुत्फ उठाइए इस दृश्य का, क्योंकि ऐसा मनमोहक दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल भाई जी, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग पैक करा के लाए थे घंडियाल से, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सैलानी यहाँ पे आए हैं और बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ आए हैं। पूरा ये रहने का भी है, कुछ बन रहा है, भूरी भूरी जो घास है तो इसका मतलब यहाँ अच्छी बर्फ़ पड़ती होगी, तो जिस कारण ये हरी घास नहीं है। और आजकल मैंने तो पढ़ा था कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे कमल भी खिले रहते हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से ताल है, लेकिन ये तो सूखा पड़ा है, साइज से बारिश नहीं हुई इसलिए इसकी ये हालत है अभी।
लेकिन चलो जितना भी है मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से दिखा लेता हूँ, क्योंकि बेनीताल आए हैं। लेकिन साथ ही इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा है यहाँ पे आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं आप, चाहे वो कैंप लगा के रहो या फिर होम स्टे में रहो। तो ये देखिए इस तरीके से ये ताल, इस तरीके से देखो कीचड़ में, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और ये देखिए ये है यहाँ, ये है बेनीताल भाई। तो कम से कम अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हो तो वीडियो के माध्यम से देख ले। ओ चिड़ियाँ उड़ रही है, देखिए ये भी यहाँ बैठी है। तो ये देखिए ये है भाई, इसमें किसी को डालेंगे तो भाई समा जाएगा तो अंदर। देखिए सामने घोड़े चढ़ रहे, गायें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए गायें है, घोड़े है। एकांत में कभी शोर कोलाहल से आप परेशान हो गए, अपनी जॉब से, अपने पढ़ाई से, अपने अन्य कामों से बहुत सारी टेंशन होती है, डिप्रेशन का शिकार आज की डेट में एक युवा है, लेकिन आप यहाँ होगे तो आप यहाँ एकांत में बैठ के थोड़ा ध्यान करके अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके अपने परिवार के साथ समय दे गाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये पूरा मुझे लग रहा है ये कीचड़ से भरा है पूरा, देखिए जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है पूरा ये कीचड़ से ही भरा है। और यहाँ इस तरीके से इसी कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन अभी है नहीं तो कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ क्या बना है। अरे भाई साहब ये होल दिख रहा है आपको, इसके अंदर से ऐसे खरगोश खरगोश होंगे। अरे भाई है कोई बहुत लंबी सुरंग टाइप की है। वो देखिए वहां सामने श्याल भी आ गए, देखो श्यालों का पूरा झुंड। तो इन ऊंची ऊंची चोटियों में अब हो गया हमारे खाना खाने का टाइम। देखिए भाई लोग तो लगे इनमें आएंगे, ये देखा ये मेरी इन थक लगी तुम्हारी, खाना जरूर खाइए। हाँ बिल्कुल ऐसे सबड़ा सबड़ी जुगड़ी में छप छपी पड़ गया मैं। गांव भी उड़ गए। ये देखा। छह ले गए। अब मेरा कहाँ है? अब खाना मारो। ये चिमिरो। खाना मारो जरूर जी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं अरमिर लाऊंगा आपका, देखा कितनी? आलू झोल। आलू झोल। थिंचवाड़ी। एक मैं डाल अब क्या का चटनी थिंचवाड़ी। तो इसका हम आनंद लेने वाले साथियों, ये देखिए बिल्कुल ग्रुप के साथ अलग ही आनंद है साथियों। ये सूर्यास्त का एक सुंदर सा नजारा, सूरज भगवान हमारे पश्चिम की तरफ अब अपने घर जा रहे हैं और हम भी अब जहाँ हमने होम स्टे लिया है हमको वहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले अभी हम यहाँ पे आग जलाएंगे, उसका भी आनंद लेंगे। जो इंतजाम के साथ हम आए थे बॉन फायर का इंतजाम लेके हम आए थे, तो थोड़ा हम इसका अभी थोड़ा मजा लेना चाहते हैं यहाँ इस पहाड़ियों में। कोई प्रकृति के नुकसान, सही बात है। आप यहाँ आइए बॉनफायर कीजिए, परंतु कोई भी ऐसी गतिविधि मत कीजिए जिससे क्या हो प्रकृति को नुकसान हो। बिल्कुल यह कंटर दिखाओ तो भाई जी के बाद दर्शकों को ये देखिए कुछ भी जुगाड़ वाले कुछ भी जुगाड़ कर लेता है। तो साथियों फाइनली हमारा बॉनफायर स्टार्ट हो चुका है, देखिए बड़े भाई बंद। हेलो भाई जी, यह सर्दियों का मजा ले रहे भाई साहब फुल। बिल्कुल देखिए कोई नहीं, अगल बगल क्या है देखिए, बिल्कुल अभी हम हैं ये सोती हुई पहाड़ियां और ये भी अब नींद में, लेकिन हम अभी जाग रहे हैं। बॉनफायर का मजा बिल्कुल गाने साथ। जाहे मालूमती पापो बाजारा आहा ते ते अरे बीड़ी को मंडल है पवन, बीड़ी को मंडल पौड़ी बेटी चुड़ियाल गढ़वाली मन। रात काफी हो चुकी है क्योंकि आजकल छोटे दिन है, तो बहुत भयंकर अंधेरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात की 12 बज रही है और हमने देखिए आग पूरी तरह से बुझा दी है। अब हम कमरे की तरफ जा रहे हैं, हम जहाँ हमारा होम स्टे है। देखिए भाई जी प्रेशर फ्लैश के साथ, चलो भाई जी चले तब बाय बाय। कंटर बजा दो भाई जरा एक बार, भगा दो सबको। ओ ये अंधेरी अंधेरी रातें हैं और हम तुमको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो तुम? हो कोई भी जंगली जानवर हमको मिल सकता है, इसलिए हमने खोला है अभी कैमरा, क्या पता कैद हो जाए। तेनो तेनो देख अभी निकला। हाँ निकल गया। हाँ बिल्कुल कैमरे में नहीं आ पाया। तो साथियों वहां से हम लोग अब आ चुके हैं नीचे जहाँ पे हमारा कमरा है। तो यहाँ देखिए लाइट की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे पूरा गांव मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए हमारे लिए इन्होंने
आग की व्यवस्था भी की है आपने, आप भी आग सेक रहे देखिए। देखा बाकी एडिटिंग वर्सन लग गया आग तो जगह, देखिए पूरी लाइट है, कोई दिक्कत नहीं लाइट की। और खाना बन रहा है हमारे लिए किचन में, छोटा भाई लगा है खाने बनाने में, बढ़िया खाना बना रहा है भाई लौंडा भाई जी हमारे भाई जी। तो आपको जब भी आना होगा भाई जी से संपर्क कीजिए, आपको मैं नंबर दे दूंगा। अब शानदार यहाँ पे व्यवस्था है, खाना पीना सोना रहना सब। दानी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था भाई जी, दिन में मज़ा आ गया, धन्यवाद बहुत बहुत। गर्म गर्म खाना हमारे तैयार हो रहा है अभी, और मैं भी बिल्कुल पैक हूँ, ला रखा था मैंने क्योंकि अपनी व्यवस्था तो पूरी रखनी पड़ती है। खाते हैं अब शानदार सा खाना खुना खा के, अब हम सोने की तैयारी में है। बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, रजाई रजाई सब कुछ हमको दे रहे खेते को बढ़िया से मनीष भाई हमारे। मतलब चार्जिंग भी पूरा देखे देख सकते हैं आप, देखो पूरे सर पे है। आप देखो गर्म पानी की व्यवस्था भी, भाई गर्म पानी पी, गर्म पानी पी के अब हम सोने वाले हैं। तो साथियों दूसरा पार्ट मैंने आपको बखूबी दिखाया बेनीताल के, आपको नजारे दिखाए सुंदर से। अब कल दूसरी जगह, हाँ कल का अलग ही होगा। तो फिलहाल ये पार्ट टू यहीं पे हम एंड करने वाले, अब हम सो रहे हैं। ठीक है भाई जी, शुभ रात्रि बोल दीजिए सभी को। ठीक है अभी को भाई, शुभ रात्रि सभी को। बिक्स ये बोरो प्लस भी है, इनको यूज करते हुए सो जाएंगे। ठीक है, शुभ रात्रि, बाय बाय।